नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है दोस्तों। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाकिस्तान की एक और लेटेस्ट डिबेट जिसमें पाकिस्तानी बड़ी बड़ी हांक रहे हैं और इनको पता ही नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये अब अपने व्यू देने लग गए हैं। कभी अमेरिका पे देते हैं, कभी रशिया पे देते हैं, कभी चाइना पे देते हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि ये खुद कंगाल है। इनके हाथ पल्ले है नहीं कुछ, इनकी जनता भूखी नंगी मर रही है और इनको युवाओं को रोजगार नहीं है, लेकिन इनको बड़े बड़े देशों की बात करने में पता नहीं क्या मिलता है। तो दोस्तों आइए दिखाते हैं ये डिबेट, और उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, क्योंकि हम आपको एक से एक लेटेस्ट पाक मीडिया की वीडियोस डिबेट्स दिखाते रहते हैं, इनकी मानसिकता आपके सामने प्रदर्शित करते रहते हैं। तो उससे भी पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय दोस्तों। हुकूमत की तश्कील के ऐलान में ताखीर देखने में आ रही है, वजूहात क्या है? दूसरी जानब DGISI फैज हमीद साहब जो इस वक्त काबुल में मौजूद हैं, इस हवाले से, इस दौरे के हवाले से भी प्लीज आगाह कीजिएगा। देखिए कल ऐलान होना था जुमे को, और उससे पहले उनकी तरफ से, तालिबान की तरफ से, ये कोई बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं, लेकिन तालिबान के ज़राए उनके मुख्तलिफ तर्जुमान है कि जी हुकूमत साजी मुकम्मल है, और उसको फिर सारी दुनिया के मीडिया ने कोट भी किया, उनके हवालों से ही बात चली। आज की फिर बात हुई कि 24 घंटों में ऐलान हो जाएगा, और फिर आज भी उसमें ऐलान नहीं हुआ। जी सर, कल रात को तमाम रात यानी शाम से लेके सुबह तक ये खबरें आती रहीं कि पंजशीर जो है वहां पे कब्जा हो गया है, तालिबान की तरफ से ये बात कही जा रही थी, और उसके बाद फिर काबुल के अंदर और मुख्तलिफ जगहों में फायरिंग भी हुई, हवाई फायरिंग, उसके नतीजे में 70 अफराद के जां बहक होने की इतलात आई। फिर उसके बाद तालिबान के रहनुमाओं की तरफ से ये मैसेज आया कि हवाई फायरिंग बंद की जाए किसी किस्म की, बल्कि उसको एक तरह से जुर्म करार दे दिया कि गिरफ्तार कर लिया जाएगा अगर किसी ने आइंदा हवाई फायरिंग की जश्न वगैरह में। इतनी बड़ी तादाद में वहां पे लोग जानों से चले गए, और वहां से फिर ये हुआ कि रात गए जो अमरुल्ला साले जो है उनका एक मैसेज आया रिकॉर्डिंग, और उसमें उन्होंने कहा कि मैं यहां पे पंजशीर में मौजूद हूं और मैं भी यहां पे हूं, और मेरे साथ जो है वो साथ ही दूसरा मैसेज फिर अहमद मसूद साहब, अच्छा अहमद शाह मसूद और अहमद मसूद तकरीबन वैसे ही नाम है, लेकिन यह कि उनको जूनियर भी कहते हैं, अहमद शाह जूनियर कहते हैं आप, उनके साहबजादे हैं। और आज फिर अभी ये इतलात आ रही है कि दोबारा जो है वो आज पंजशीर वैली को जो है वो असॉल्ट होगा, और जो पंजशीर वैली में मौजूद लोग हैं यानी जो अहमद शाह मसूद साहब के साहबजादे के साथ हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि वहाँ पे अब ब्लॉक कर दिया गया है रोड्स को, और ये तो कल ही बात आ गई थी कि मुज़ाकरात उनसे ख़त्म हो गए, लेकिन जो हुकूमत साजी में ताखीर हो रही है इसका तो मेरा ख्याल है कि कल मेरा तो अपनी राय ये थी कि सोच समझ के मुशावरत के बाद हुकूमत का ऐलान करें, क्योंकि और ये भी उसमें वाज़ह होना चाहिए कि ये जो हुकूमत है ये एक आर्जी हुकूमत है, ये वो हुकूमत नहीं है जो मुस्तकिल नहीं, 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 आइन बनना है ना, अभी तो आइन बनेगा। मैं जो बात कह रहा हूं कि दोहा एग्रीमेंट नहीं हुआ, उसकी वजह ये है कि दोहा एग्रीमेंट में ये था कि अशरफ गनी अपनी जगह से हटेंगे जी। एक मुख्तलिफ पार्टीज की एक का अबूरी सेटअप आएगा, वो कुछ अरसे के अंदर, वो महदूद अरसा था, वो 18 महीने या 12 महीने में वो एक आइन लिखेगा, और आइन लिखने के बाद उसके तहत, उस आइन के तहत फिर अगली हुकूमत आएगी। ये ऐसे वो था, और उसके अंदर जो है वो अमेरिका और तालिबान जिनके साथ कलदम लिखा हुआ है अभी भी, तो इनके दरमियान हो रहा था, और इसमें अशरफ गनी पार्टी नहीं थे, ये जो मुज़ाकरात हो रहे थे ये अमेरिका और तालिबान के दरमियान हो रहे थे कतर में, दोहा कतर में, ठीक है, और बाकी पार्टीज जो थी वो, अच्छा जब बाकी पार्टीज का मरहला जो आना था,
कि बाकी पार्टी ने इन्वॉल्व होना है, यानी बाकी पार्टी से मुराद ये है कि जिस जब इसमें जो है वो कई मुल्कों ने इन्वॉल्व होना है, तो वो इन्वॉल्व होना था जब इस्तांबुल कॉन्फ्रेंस होती, और इस्तांबुल कॉन्फ्रेंस में इस माहदे पे दस्तखत होते और वो होती अक्वाम मुत्तहिदा के अंडर। ये जो माहदा दो पार्टियों के दरमियान हो रहा था, इसकी कोई यानी अमरीका और तालिबान के दरमियान, यानी आप बात समझे, इसको अक्वाम मुत्तहिदा ने अपने अपने छतरी तरह फिर इस्तांबुल के अंदर इसमें साइन होने थे, तो तालिबान ने कहा कि हम इस्तांबुल नहीं जाएंगे, यह अनकरा जी सर, ये इस तरह हुआ। तो इसका जो आखिरी मरहला था, उससे पहले ये दोहा में ये जब मामला चल रहे थे, तो तालिबान ने कहा कि नहीं, हम वहां नहीं जाएंगे और ताखिर भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, और वहां से ऐलान कर दिया अमेरिका ने, हम मजीद फौजें भेज रहे हैं और हम ये ओवर द होराइजन करेंगे। वहां से एक तलखी पैदा हुई, इन्होंने जाके जो है वो जो ये बात इस तरह हुई है, ठीक है, जो फैक्चुअल सिचुएशन है वो ये है। बाकी बात करने में तो कोई हर्ज नहीं कि दोहा मुआहदा साइन हो गया, फलां हो गया, नहीं हुआ, कोई दोहा एग्रीमेंट नहीं था, एग्रीमेंट टर्की में साइन होना था, और उसकी वजूहत भी हमने बयान की थी प्रोग्राम में कि वहां पर जनरल रशीद दोस्तम के हवाले से तालिबान के तहफ्फुज़ात थे। अच्छा, अब तो वो साइन नहीं हो सका दोहाई को, उसका नाम फिर शायद कुछ और रखा जाता इस्तांबुल के अंदर, अगर वो साइन होता तो उसका, और वो उसमें फिर अक़वामे मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन, तो तालिबान ने कहा नहीं, ये लंबा चौड़ा हिसाब किताब जो है ना, ये हम इसमें तो नहीं, यहीं से बात करनी है तो करें, और फिर उसके बाद जो है ना उन्होंने कहा कि नहीं, हम जो है उसको करके और फिर करते हैं, क्योंकि वो उसमें जो बाकी शरायत आ रही थी, उन शरायत को वो अशरफ वनी हुकूमत की तरफ से आ रही थी शरायत कि इसमें मुझे ही रखा जाए, केयर टेकर मैं ही रहूं, मैं मेरे अंडर सारे काम करें, यहां पर प्रॉब्लम पैदा हो गई थी। ये दुशंबे के अंदर जो आखिरी जब ये मुलाकात हुई थी, तो उस मुलाकात के अंदर भी ये गड़बड़ हुई थी कि उन्होंने अशरफ वनी ने कहा कि नहीं, मैं तैयार हूं हर चीज पे ली, लेकिन मुझे आप रखें केयर टेकर के तौर में, मेरे मैं अपनी कैबिनेट बना देता हूं, मैं फिर नया आइन भी लिख लूंगा और वो भी कर लूंगा, मुझे रखें अपनी जगह। तालिबान इस पर नहीं माने, तो वो मुआहदा जो है वो दस्तखत नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा, अब अगले 24-48 घंटों में दो शख्सियात जो है वो इस खत्ते में पहुंच रही हैं, एक तो सेक्रेटरी खारजा बरतानिया के यहां से होके गए जी। और उनका दौरा बहुत अहम, उसकी वजह यह कि बरतानिया जो है वो एक बरतानिया एक जाहिर है कि उस दिन हमने बात की कि सल्तनत एक रही है, अमेरिका से वेरिएबल था, बरतानिया था, और बरतानिया के अंदर जो थॉट प्रोसेस है वो बड़ा गहरा होता है, यानी वो उनकी प्लानिंग्स, उनकी दुनिया पे नजर, उनके वो मतलब बहुत ज्यादा सोच के, उनकी सफारतकारी, उनके वो हर बात को जो है ना उनके यहां, अगर आप देखें कि कोई डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं तो आपको अमेरिका या से ज्यादा आपको यूरोप में काफी ममालिक में नजर आएंगी। बरतानिया ऑल्दो के अलग हो गया यूरोप से ब्रेग्जिट के बाद, लेकिन आपको बरतानिया की एक अलग अपनी हैसियत नजर आती है। अच्छा, अब दो शख्सियात और आ रही हैं, एक आ रहे हैं सेक्रेटरी ब्लिंकन, चंद घंटों के बाद सेक्रेटरी ब्लिंकन अमेरिका से रवाना हो जाएंगे, और वो अगले 24-48 घंटों में पहुंचेंगे कतर, और कतर के बाद वो जाएंगे जर्मनी। अच्छा, उनके जो दो जगह हैं जहां पे वो आ रहे हैं, कतर और जर्मनी, उनकी सिग्निफिकेंस ये है कि एक तो जर्मन्स जो हैं वहां भी यूरोप के अंदर ये तासर पैदा हो रहा है कि ये जंग किसकी थी, ये जंग तो अमेरिका की थी, तो यूरोप तो पहले ही बेजार बैठा हुआ था ये ट्रंप दौर में, और ये जो जिस तरह इनखला हुआ है और जिस तरह उनके लोग जानों से गए और जिस तरह पनाह गुजीनों का सारा बोझ यूरोप पे आ गया कि जी अमेरिका के बीच में तो अटलांटिक है तो सीधा जो है वो यूरोप के ऊपर ही। अच्छा, हमेशा यही हुआ है, तो सर जंग हो रही है तो नेटो बना, तो अमेरिका और सोवियत यूनियन की लड़ाई है यूरोप बीच में आया हुआ है, ठीक है ना, वॉर ऑन टेरर यूरोप बीच में आया हुआ, तो वो यूरोप जो है ना उस यूरोप में उस जमाने में फ्रांस नहीं कह रहा था, कि फ्रांस कह रहा था कि हम नहीं जाएंगे, टर्की ने मना कर दिया था, नेटो का मुल्क होने के बावजूद टर्की ने जो है ये कॉम्बैट मिशंस में मना कर दिया था, सिर्फ सिक्योरिटी के काबुल में आए थे, तो एक बड़ा उस पर डिवीजन आ गई थी कि इराक में क्यों जा रहे हैं भाई। तो बहरहाल अब वो जर्मनी जाएंगे जहां पर एयरबेस है और तकरीबन 3,500 शायद फौजी हैं वहां पेंस्टीन एयरबेस पे, और तो ये सेक्रेटरी ब्लिंकन जाएंगे जर्मनी, और वहां पर यानी सेक्रेटरी ब्लिंकन जाएंगे जर्मनी और वहां पर अमेरिकन एयरबेस, और हुई है अमल दरामद जिस तरह से हुआ है उसमें
बहुत ज्यादा गड़बड़ हो गई है माजी के गलत फैसलों की वजह से। नहीं, गलत फैसले नहीं, मतलब कि वो जैसे पहले फौज जानी थी, बाद में फौज गई, पहले किसको निकलना था, पहले फौज निकल गई, अभी फौज इसलिए गई थी कि शहरियों को निकालना है, वो फौज पहले निकल गई अमेरिका की, शहरी पीछे रह गए, मतलब अजीब, वो फिर शहरियों ने निकलना शुरू किया, तो मतलब वो एक अजीब गुफा हुआ पूरा। और जाहिर है कि उस गुफा में अब अमेरिका जो है वो कतर में सेक्रेटरी ब्लिंकन भी आके यकीनन उनकी तालिबान ऑफिस से उनकी बात भी हो रही है, और सेंटकॉम तो बिल्कुल कतर में ही मौजूद हैं जनरल मैकेंजी, और उनकी भी उनका भी एक रब्ता है अफगानिस्तान के हवाले से, इनकला के हवाले से, सारा उन्होंने देखा है बैठ के। तो कतर के अंदर ये और इस खत्ते में अब ये दो शख्सियात आ रही हैं। अच्छा, ये जो हुकूमत में तखीर हुई है और पंशीर के वाले से बात भी करते हैं।